हर वक्त उनके क्वेश्चन होता है कि वो अपने बच्चे को कौन से टॉयज ला के दे कि जिससे वो अच्छे से खेल भी सके और उससे बच्चा कुछ लर्न भी कर सके और बच्चे को खेलने में मज़ा भी आए। तो मेरे पास एक ये ब्लॉग्स है जो आप देख सकते हो, इतने बड़े ब्लॉग हैं जो इससे बच्चा इजीली हैंड में भी कर सकता है और इससे वो अच्छे से बिल्ड भी कर सकता है और इस ब्लॉग से वो कलर भी आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको खेलने में भी मज़ा आएगा, कलर्स भी आइडेंटिफाई कर सकता है और वो खुद एक बार आप उसको बता देंगे कि आप ऐसे 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 करना है तो वो खुद भी बिल्ड करेगा, तो उससे उसका माइंड पावर भी, इसका ब्रेन पावर भी इम्प्रूव होगा। तो ये ब्लॉक है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, इससे बच्चों को कुछ करने को वन प्लस है, यानी कि एक साल के ऊपर के बच्चे और इससे भी बड़े बच्चे भी खेल सकते हैं तो उनको मजा आएगा खेलने में। उसके बाद मेरे पास है ये एबीसीडी पजल्स, इसमें ऐसा आता है ऐसे शेप में आप इसको फिक्स कर, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल्स बोलते हैं, तो आप बच्चे के साथ बैठ के खेलेंगे बच्चे को मज़ा भी आएगा और फिर वो एबीसीडी भी लर्न करेगा और उसको एबीसीडी भी लर्न करना आ जाएगा। मेरे पास ये एक दूसरा पजल्स है, ऐसा आता है जैसे ये रेड है तो रेड को रेड पे फिक्स करो, तो इससे बच्चे को माइंड भी, माइंड डेवलपमेंट भी उसका अच्छा होता है। और ये मेलिसा एंटोका है और ये भी बहुत अच्छा है। प्लस के बच्चों का एक साल डेढ़ साल के बड़े बच्चे हैं वो भी खेल सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बच्चा ये ऐसे शार्प भी नहीं है तो जो बच्चों को हर्ट भी नहीं होगा और बच्चे को खेलने को भी मज़ा आएगा। मेरा बच्चा तो इससे बहुत खेलता है और उसको ये बहुत पसंद है, इससे वो इसके कारण वो कलर लर्न करना भी सीख गया है, इसको सारे कलर्स भी पता है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ऐसे करके वो सारे कलर्स भी सीख गया है, तो ये भी बहुत अच्छा है। मेरे पास ये एक अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग पजल है, वो ऐसा ही ये भी 18 प्लस है, इससे बच्चों को खेलने में भी मज़ा आता है और इसको बच्चे ऐसे इजीली होल्ड भी कर सकते हैं और इजीली फिक्स भी कर सकते हैं और इसके कारण बच्चों को यस इट्स ठीक है, इससे कारण बच्चों को एनिमल्स के नाम भी आ जाते हैं और वो एनिमल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको खेलने में भी मजा आता है। तो ये है बस एक ये भी टॉय है, ये भी वुडन का है और ये भी मेलिसा एंटो का है, लेकिन ये भी 18 मंथ प्लस का ही है, आप देख सकते हो। इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट शेप्स है तो और ये सारे शेप्स पीछे भी लिखे हुए हैं, इससे भी बच्चा शेप्स भी लर्न कर सकता है और इसको खेलने में भी बच्चे को मजा आएगा। और ये टॉयज भी 18 मंथ प्लस का है और ये भी बहुत अच्छा है, इससे क्या है, इससे बच्चे को कोई हार्म भी नहीं होता और बच्चा इजीली खेल सकता है और उसको खेलने में भी मजा आता है, क्योंकि आप देख सकते हो कलरफुल भी है और इसमें डिफरेंट शेप भी है, तो बच्चा शेप भी लर्न कर सकता है, कलर्स भी लर्न कर सकता है और उसको मजा आएगा।